सतगौड़ा पाटिल जेडीएस की तरफ से। पाटिल साहब आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं, आप तो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि भाई जो कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसी को समर्थन देंगे, लेकिन माया मिली ना राम, अभी कुछ भी नहीं आपके हाथ में, हार की वजह। चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी जी ने 100 से 110 कॉन्स्टिट्यूशन में जाके प्रचार किया और पंचरत्न योजना का सब प्रचार करके भी वो अब जनता जनादेश क्या दिया उनका वो फैसला हम स्वीकार करते हैं। हमारा काम, हमारा डेवलपमेंट, इवन 2018 में कुमार स्वामी जी ने चीफ मिनिस्टर था उस वक्त 25,000 करोड़ रुपीज का लोन वेव किया था फार्मर्स का, फिर भी देश का हमारा राज्य का जनते ने क्या अभी फैसला दिया उस फैसले को हम मानते हुए हम आगे क्या करने का वो सोच रहे अभी। नहीं नहीं तो आपको बीजेपी की हार से ज्यादा दुख है या कांग्रेस की जीत से ज्यादा, क्योंकि अब 20 सीटें तो हैं आपके पास, हालांकि कांग्रेस को जरूरत नहीं, फिर भी होता है कई बार। 20 सीट तो है अभी, क्योंकि दुख तो है एक्चुअली, तो ये तो चुनाव में एक जन जीत जाएगा एक जन हारेगा, फिर भी हमारा ये था 123 का वो मैजिक नंबर था वो हम पहुंच सकते हैं ऐसा हमारा प्रेडिक्ट था, लेकिन अभी हो नहीं पाया। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके जितने भी प्रवक्ता जब चर्चा में आते थे वो तो कह रहे थे कि भाई हम तो 113 हम तो बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन 20 से आगे नहीं बढ़ पाए, ये जेडीएस के लिए बहुत सोचने का विषय है। बीजेपी और कांग्रेस का वो मुद्दा लेके जा रहा था उसके ऊपर हम सोच रहे थे, हम तो हमारा पार्टी तो सेक्युलर है, इसकी वजह से हम सब लोगों को सब जात भेद न करते हम सीट दिया था, कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, उसकी वजह से हमें जनता ने आशीर्वाद करेंगे करके हम सोचे थे, लेकिन बाद में तो जनता ने जनादेश आशीर्वाद दूसरों अभी कांग्रेस के ठीक है। चलिए चलिए आप हार स्वीकार कर रही है, बड़ी बात।